कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूजल्स। आज हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूजल्स के बारे में। अगर आपकी भी रिफ्यूजल है तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए ये वीडियो एंड तक। मैं जगशीर शर्मा पुनीत इमिग्रेशन आपका स्वागत करता हूँ। देखो, वैसे तो कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूजल जो हैं उनके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बट आज हम दो मेन रीजन्स पे बात करेंगे जिस पर कनाडा स्टडी वीजा को रिफ्यूज करता है। वो दो रीजन्स हैं, वो हैं एक तो फंड्स का रीजन आपका, दूसरा रीजन होता है स्टडी सुपीरियर होने का या स्टडी रेलिवेंसी रेलिवेंट होने का। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलिवेंसी ऑफ योर स्टडी। ठीक है, देखो सपोज करो आपने पीछे कोई स्टडी की है, आपने प्लस टू की है या आपने ग्रेजुएशन जहां से कर ली है, और अगर आप वहां पर स्टडी करना जा रहे हो और स्टडी आपने कोई ऑप्ट की है, तो आपको वो सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या जो मैंने स्टडी जो पहले की है, जो मैं ऑप्ट कर रहा हूं, वो दोनों चीजें रेलिवेंट हैं। ये रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ए प्रोग्राम ए स्टडी की है और आप कोई बी स्टडी वहां पे करने जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो चीज देखनी है वो रेलिवेंसी ऑफ स्टडी देखनी है, रेलिवेंस ऑफ योर प्रीवियस कोर्स विद रेलिवेंसी ऑफ योर ऑप्टेड कोर्स। ठीक है, दूसरी बात जो है इसमें वो चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो आपने स्टडी चूज की है, ठीक है, क्या वो स्टडी सुपीरियर है। अगर तो आपकी स्टडी ठीक है रेलिवेंसी होनी वो अलग चीज है, ठीक है सुपीरियरिटी होनी वो अलग चीज है। रेलिवेंसी का मतलब अगर आपने हॉस्पिटैलिटी का कोर्स यहाँ पे किया है प्लस टू में या बीए में ठीक या बीएससी में, तो इधर दूसरी साइड आपको हॉस्पिटैलिटी का ही कोर्स लेना पड़ेगा। हाँ, सुपीरियरिटी अब क्या होती है, सुपीरियरिटी ये होती है कि अगर जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रखे हैं, क्या अगर आप कोई प्रोग्राम ऑप्ट कर रहे हो, क्या वही सब्जेक्ट तो नहीं आप वहां पे पढ़ने जा रहे। ठीक है, अगर वही सब्जेक्ट है तो रेलिवेंसी है बट सुपीरियरिटी नहीं है। ठीक है जी, तो आपका रिफ्यूजल आने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये था पहला केस। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे केस में। दूसरा केस क्या होता है, फंड्स का। ठीक है, रिजेक्शन आती है फंड्स के रिलेटेड। ठीक है, इसमें ये होता है कि सपोज करो 12 लाख आपकी एक ईयर की ट्यूशन फीस है। ठीक है जी, दूसरी चीज ये है कि आपने एक साल की ट्यूशन फीस भर दी, आपने क्या किया आपका जीएसटी भर दिया, टोटल 17 से 18 लाख आपने खर्चा कर दिया। ठीक है जी, एक साल का आपने एक्सपेंसेस आपने दिखा दिए। दूसरी चीज जो आपने ये ध्यान रखना है, आपका कोर्स सपोज करो 2 साल का है, एक साल की आपने ट्यूशन फीस भी भर दी, आपने जीएसटी भी भर दिया, तो जो दूसरा साल है वो आपने उसको एफडी के तौर पे 15 से 20 लाख अपने अकाउंट में इंडिया में अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाकर जाना है कि हाँ एक साल का तो एक्सपेंसेस मेरे पास है, मैंने फीस भी भर दी, मैंने जीएसटी भी भर दिया। ठीक है, और इसके अलावा जब दूसरा ईयर आएगा तो मैं अपने पेरेंट्स से ये खर्चा मंगवा लूंगा। ठीक है, ये दोनों रीजंस आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने वेरीफाई करने हैं, जस्टिफिकेशन इनकी देनी है वीजा ऑफिसर को। एक चीज आप और ध्यान में रखिए, इन दोनों चीजों के अलावा मैं बात कर रहा हूं। देखो, जब आप फाइल लॉस करते हो, फाइल लॉस करने के टाइम आपने देखना है कि जो एक एक डॉक्यूमेंट स्टडी वीजा में आपने लगाए हैं, क्या उनका पॉजिटिव एक्सपेक्ट पै रहा है वीजा ऑफिसर पे, क्या वीजा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर बोर तो नहीं हो रहा। फर्दर मोर आपने ये चीज देखनी है कि जो आपकी आप डॉक्यूमेंट आप लॉस कर रहे हो, डॉक्यूमेंट जो आप अपडेट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो सॉरी, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स दिखने में साफ हैं, ब्लर तो नहीं आ रहे हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरे से बात कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई आपकी क्वेरी हो, आप अगर स्टडी वीजा से रिफ्यूज हो चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे से बात करो, मेरे से कॉन्टैक्ट करो, हम आपके प्रोफाइल देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और आपको उसके रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको एडवाइस देंगे। ठीक है जी, नमस्कार।